नमस्कार साथियों, मैं गोवर्धन दास और आज आपके लिए लेके आया हूँ एक महत्वपूर्ण मोटिवेशनल सेमिनार, जिसके अंतर्गत आज हमारे सामने है डॉक्टर निमिषा मुकुंद जी। निमिषा मुकुंद जी, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और ये राजस्थान प्रशासनिक सेवा के साक्षात्कार का अभी समय चल रहा है, तो मैं डॉक्टर निमिषा मुकुंद जी से ये निवेदन करूँगा कि सभी जो एस्पिरेंट है उनके लिए साक्षात्कार के समय क्या ध्यान रखा जाए, इनके बारे में आप बताएं। और विशेषकर उन गर्ल्स के लिए बताएं कि उनको इंटरव्यू बोर्ड के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन मुद्दों पर उन्हें चर्चा करनी चाहिए, विशेषकर महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर निमिषा मुकुंद अजमेर के एक छोटे से गाँव से अपनी सरकारी विद्यालय से अपनी शिक्षा को प्रारंभ किया था और आज ICSSR में एक महत्वपूर्ण शोधार्थी के तौर पर ये कार्यरत है। और इनके बहुत सारे वीडियो आप हमेशा देखते होंगे DD न्यूज और विभिन्न प्रकार के अन्य न्यूज चैनलों पर चर्चाओं में ये आते रहते हैं। तो निमिषा मुकुंद जी, आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो तैयारी करने के दौरान लोग अपनी हिम्मत को हार जाते हैं या फिर थोड़ा थक जाते हैं, उनके लिए आप क्या एक टिप्स देना चाहेंगे? गोवर्धन जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आज आपने डिजिटल इंडिया अभियान और ये जो चैनल के माध्यम से आप जन जन तक पहुँचा रहे हैं प्रशासनिक सेवाओं की आवाज़, इसके लिए आप बधाई के भी पात्र हैं और आपको मैं शाबाशी भी देना चाहूँगी। सर्वप्रथम हमें ये देखना है गोवर्धन जी की साक्षात्कार क्या है। साक्षात्कार अपने आप का स्वयं का परिचय है, तो स्वयं का परिचय तभी हम दे पाएंगे जब हम स्वयं पर विश्वास करेंगे। लिखित परीक्षा के माध्यम से हम अपनी सार्थकता और अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए तो हम साक्षात्कार तक पहुंचे हैं। अब हमें देखना है, विशेषतः गोवर्धन जी, मैं महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी, राजस्थान की महिलाओं के लिए, कि वो सभी बालिकाएँ और महिलाएँ जो शोधार्थी हैं, उन सभी को जो प्रशासनिक सेवाओं में तैयारियां कर रही है, उन सभी को हमें यह देखना है कि आप अपने आप पर विश्वास रखें, अपना दीपक स्वयं बने, क्योंकि हम ही हैं जिसके माध्यम से हमें अपने आप को प्रस्तुतिकरण करना है। साक्षात्कार में क्या होता है, आपका परिचय, आपका अपने आप से परिचय, और प्रशासनिक सेवाओं में रहते हुए जब आपको निर्णय लेने होते हैं तब आपकी निर्णय क्षमता को परखा जाता है, यही एकमात्र है साक्षात्कार। तो बहनों, माताओं, मैं आप सभी से कहूंगी कि सर्वप्रथम हम खुद पर विश्वास रखें, अपना दीपक स्वयं बने। हम लिखित परीक्षा से तो सिद्ध कर चुके हैं, अब हमें यह जानना है कि आसपास घटित होने वाली घटनाएं, चाहे वो स्थानीय हो, चाहे वो राष्ट्रीय हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, इन सभी घटनाओं पर मेरा खुद का एनालिसिस क्या है। इसी के साथ ऐतिहासिक परिदृश्य, भौगोलिक परिदृश्य और स्थानीय मुद्दे, स्थानीय अर्थात ऐसे मुद्दे जिनको मीडिया कई बार एक तरफा रवैया करके दिखाता है, तो एक प्रशासनिक अधिकारी का रवैया क्या रहना चाहिए वह जानना महत्वपूर्ण है। एक बिंदु यह हुआ हमारी एनालिटिक अप्रोच। उसके अलावा है, हमें जितना अध्ययन आता है, जितना हमें जानकारी है, उस जानकारी को दृढ़ता से विश्वास के साथ अपने साक्षात्कार बोर्ड के सामने रखना, अर्थात कोई ऐसा विषय, हो सकता है कोई तथ्यात्मक जानकारी, कोई फैक्चुअल डाटा मेरे ध्यान में नहीं हो, तो उसको आप स्पष्टता से बिना घबराए, क्योंकि एक सामान्यज्ञ है प्रशासनिक अधिकारी, एक सामान्यज्ञ अर्थात उसको सभी विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी होती है, विशेषज्ञ नहीं होता है। तो सभी बहने माताएं, आप तैयारी के दौरान ये चीज़ ध्यान रखें, जो नहीं आता है उस पर फोकस नहीं करना है, जो आता है, अर्थात आपने यदि बैचलर कोर्स अपना किया, आर्ट से किया है, हो सकता है किसी ने इंजीनियरिंग से किया हो सकता है किसी ने डॉक्टर से किया हो, तो उसको उस विषय की विशेषज्ञता तो होगी ही, लेकिन उसके अलावा उससे जब जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिना घबराए उत्तर देना है।